तो गाइस कैसे हो आप सभी। आपके दोनों भाई हाजिर है यार वापस न्यू वीडियो के साथ में, और स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब फैमिली एस के हॉन्टेड हाउस के अंदर। सो गाइस पहुँच चुके हैं एक आपकी मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन यार, कि भाई जल्दी से उसका पार्ट टू शूट करो यार, और बताओ हमें कि आखिरकार कौन सी वो चीज़ है जो वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर नज़र आती है। जिसने अभी तक उसका फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लेना उस पार्ट को। शूट किए हुए कितने दिन हो गए सर भाई? शायद 7-8 दिन या 10 दिन के समथिंग हो चुके हैं गाइस। ठीक है, इसकी स्टोरी तरीके से बताई गई है यार उस पार्ट के अंदर। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूंगा, जिसने उसका फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी ये पार्ट देखने के बाद में आपको लास्ट में आई बटन पे वो वीडियो शो हो जाएगी और एंड स्क्रीन पे वीडियो शो हो जाएगी, तो जाके देख सकते हो यार आप। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आज आने की सबसे बड़ी जो डिमांड थी यार, एक मेरी बहन की थी यार, इसलिए मैं आपस यहाँ पे आज इस लोकेशन पे खड़ा हूँ यार। दोनों भाई खड़े हैं यार। ठीक है, जो वो आत्मा है एक लड़की की है, वो यहाँ पे नज़र आती है। और आपको पता है गाइस कि आत्मा किसी के साथ में कुछ भी छलावा करने के लिए वो किसी का भी रूप ले सकती है यार। गाइस जो भी यहाँ पे आता है सबको मतलब एक नया रूप देखने को मिलता है उसका। ठीक है, कभी वो उस अपने जो रियल उसका रूप है, ठीक है, जैसे मैंने आपको उसकी एज बताई थी 16 से 17 साल की एज बताई थी मैंने, तो उस रूप में नज़र आती है। तो कभी वो अपने आप को काफ़ी अलग दिखाने की कोशिश करती है और भी हॉरर दिखाने की कोशिश करती है यार। जैसे कोई खड़ा हो सामने यार, चलो खैर छोड़ो, जिसने वीडियो स्टार्ट कर ली है वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना। नीचे बटन दिया हुआ आ रहा सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलना इसका, बाकी इस वीडियो को पूरी एंड तक वॉच करना, उसके बाद में ही उस पार्ट को देखना यार। और जो वो लड़की है गाइस, कुछ कुत्तों ने उसके साथ में यार बलात्कार करके उसको यहीं पर छोड़ दिया था इस जंगल में, उस पेड़ के वहाँ पर ले जाके यार। तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने आप को फांसी लगा ली अपने ही दुपट्टे से। तब से उस पेड़ के इर्द गिर्द नज़र आती है, कभी उस पेड़ के ऊपर नज़र आती है, कभी उस पेड़ से लटकती हुई नज़र आती है फांसी के फंदे पे यार। यार इसलिए काफ़ी लोग अभी तक मतलब उसको देखने के बाद में यार ये चीज़ बताने के लायक नहीं बचे कि यार आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या और क्या उन्होंने देखा है। कुछ चंद लोग हैं गाइस जो बचे हुए हैं और उन्होंने ये बात हमें बताई है, ये समझ लो आप। तो चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कैमरा आगे की ओर रखता हूँ मैं और इस लाइट को बंद करता हूँ, तो शेरखान भाई चलने दो यार। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यार गूगल टाइम की, अपने जो भाई है यार काफ़ी रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि जो सिस्टर है यार सॉरी काफ़ी रिक्वायरमेंट कर रही थी कि आपको गूगल टाइम भी दिखाना होगा भैया। कोई बात नहीं सिस्टर, तो ये रहा आपका गूगल टाइम 11:14:01, वापस रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। 11:14, ठीक है, 11:14, ठीक है, 3 बार मैंने रिफ्रेश करके दिखा दिया है भाई। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। ये क्या है, नीचे करना शीशा, भाई यार आप खुद देखो ना उसको। हाँ काफी यार वो देखो भयानक लग रहा है यार। तभी तो यार वो गाइस वो जो पत्थर है ना देखो वो लगे ऐसे रहा था यार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है यार। छोड़ो, होता है यार ऐसे लोकेशनों पे। और काफी दूर एक पहाड़ है जिसके ऊपर एक मंदिर है जिसको यहाँ के लोग काफी मानते हैं यार वाकई में। तो काफी दूर है यहाँ से वो, और अंदर है तो गाइस आपको पता है कितनी ऊंचाई पे यार अगर हल्की सी टॉर्च या कुछ भी हो तो वो क्लियरली नज़र आती है यार। तो काफ़ी दूर है वो पहाड़ यहाँ से, चलने दो सेकंड भी। आधा घंटा गाइस हमको हो चुका है यहाँ पे आए हुए, हमने कैमरा अभी स्टार्ट किया है, चलने दो। तो वो पेड़ पता नहीं कितना दूर है यार, कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, मंदिर जैसी जगह भी नहीं छोड़ते हैं, तभी तो शैतान लोग।
गाड़ी क्यों बंद होती है? आप गाड़ी बंद मत करो बस, बाकी सब ठीक है भाई। अभी तो कुछ नजर नहीं आया, नजर नहीं आ रहा है। हाँ यार, यार ये कुत्ता यहाँ हद है। मतलब देखो ये क्या? अरे चल, मैं लाइट ऑन नहीं थी ना, जो गाड़ी की लाइट से मेरे को इसकी आंखें चमकती हुई नजर आई, मैं डर गया यार। जगह भी तो भाई ऐसी, जगह भी तो ऐसी है यार, डरना मुनासिब है। इस पेड़ के ऊपर का वो चीज नजर आई थी, नजर आई थी भाई। हंसने की आवाज, एक मिनट गाड़ी बंद करना, गाड़ी बंद करना। किधर से है भाई? भाई है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ भाई, देखो ये जानवर के मुंह से आ रही है यार। यार ये कैसे सोचता है? आवाज तो इसी तरफ से आ रही है ना? हाँ, इसी तरफ से आ रही है। नहीं यार, कहाँ से? इधर से आ रही है। कौन है? हाँ? हंसने की आवाज, पकड़ना इसको, बस उस चीज को। शायद हो सकता है कि हम से डर रही हो चीज, हमसे वो चीज डर रही हो, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं यार। देखो आप जो भी हो और आपके साथ में जो भी हुआ है उसका हमें अफसोस है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा की मोक्ष हो, और जो अगर आपको खुदा और भगवान जिसे भी आप मानते हो उस पर आपको विश्वास है तो यकीन मानिए कि को जिन्होंने आपके साथ में, जिन लोगों ने आपके साथ में ये सब किया था उनको उनकी कर्मों की सजा मिल जाएगी या फिर मिल गई होगी। भाई हंसने की आवाज गायब हो गई। हम सिर्फ यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आए, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आप हमें पॉजिटिव सिग्नल दें, ना कि नेगेटिव, बिना हमें नुकसान पहुंचाए। वो क्या है? कैमरा तो गाड़ी स्टार्ट करो यार। शिट में, कौन आप? ओए ये तो कोई लड़की लग रही है। शिट शिट, कौन हो? जवाब दो मुझे, कौन हो? जवाब दो मुझे। सरगा नीचे उतर रही, वो नीचे उतर रही। गाड़ी अगलो जल्दी, गाड़ी अगलो यार, वो आगे आ रही है गाड़ी। लोको लो जल्दी लोको लो, बाद में आ रही है। आगे लो गाड़ी जल्दी से, आगे से घुमा के लेके आते गाड़ी को यार। भाई उस दिन सरकार भी आगे से भी आ गई थी ना। वहाँ भाई फिर से शीशों पर चढ़ो, शीशों पर चढ़ो। काफी भयंकर है यार ये। हाँ गाइस, उस दिन ये
वहां से दिखने के बाद में जब हम आगे बढ़ के आए थे ये चीज है ना, यहाँ पे नजर आई थी आगे, यहाँ पे इसी जगह यार अभी भी आ सकती है शरखंड भाई। हाँ भाई यहीं से घुमाओ गाड़ी को जल्दी से, यहीं से ना। हाँ यहीं से घुमा लो, लाइट ऑन करके इधर से देखता रहता हूँ। आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। एक मिनट, एक मिनट, सामने क्या है? गाड़ी से बाहर कोई है उधर? भाई इधर से भी हंसने की आवाज आ रही है। हाँ सेम हंसने की आवाज आ रही है इधर से भी। सेम हुआ। हाँ यार भाई कौन है वहां पे? कौन हो भाई? वहीं पे चलो, वहीं पे चलो यार, वहीं पे चलो। ये जो ऊपर चढ़ा था वो इसका सकती हो चीज बिल्कुल धीरे भी नहीं, थोड़ा फास्ट। देखो रुकना, देखो वो जो रास्ता जा रहा था ना उस पे। लो आगे लो, थोड़ा और आगे। ये आवाज सेम आवाज, सेम आवाज, सेम आवाज है ना, सेम आवाज है यार। चलो आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो। खुदा ऐसा लग रहा है ऐसे वो चीज फॉलो कर ली हो मैं सच में। चलो तो सरगर में चलने दो, इसे पेड़ के पास चलने दो, चलते रहना बस। जो भी मूवमेंट तो नहीं कर रही है भाई, बैठा जी से कुछ भाई, जो भी मूवमेंट तो नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं मूवमेंट नहीं कर रहा, शायद पत्थर होगा। आगे चलने दो, हेलो जैसे को खड़ा हो। हाँ भाई ये हो एक और रास्ता। ओ भाई, ओए भाई पेड़ पे देखो, पेड़ पे के ऊपर। हाँ हाँ ये उस पेड़ पे कुछ है, उस पेड़ पे कुछ है भाई। भाई अपन गए तो पे कुछ नहीं था। हाँ चलने दो भाई, चलने दो, आगे चलने दो। लाइट नीचे रखो भाई, लाइट नीचे रखो यार, वो चीज नजर नहीं आएगी इसे तो। ऊपर करो, ऊपर करो, मेरे को लगा वो चीज गायब ना हो जाए। इधर दबो, इधर दबो, इधर दबो गाड़ी को, इधर दबो, उससे दूर रखो अपनी गाड़ी को, उससे दूर रखो भाई, उससे दूर रखो अपनी गाड़ी को, गाड़ी को। एक मिनट, कौन है यहाँ पे? सरकार भाई आप गाड़ी में रहना ठीक है, जब भी आप। हाँ भाई कौन हो? ओए भाई, भाई एक मिनट, ओए भाई कोई पेड़, पेड़ से चिपकी हुई है भाई। कौन हो बताओ, मैं कौन हूं आप? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, जवाब दो हमें भाई। भाई भाई क्यों हंस रहे हो, कोई सिग्नल नहीं आ रहा इसका, क्या करे भाई? जा दो, कौन बोलो? देखो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं,
जवाब दो हमें। नहीं भाई ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं। कौन हो जवाब दो। हाँ गाड़ी की लाइट आगे रखना और सुनो मेरी बात। हाँ मैं क्या बोलता हूँ मतलब धीरे धीरे गाड़ी निकालो, मैं जब बोलू ना तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देना ठीक है ना। ठीक है आगे चलो भाई ठीक ना कर दे यार। भाई चल ले तो धीरे धीरे चल ले तो। ओ चलो चलो यार चलो यार कोशिश कर रही है। ओए भाई भाई नीचे आ गई वो, नीचे आ गई वो, नीचे आ गई वो, चल ले तो भाई इसका कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा यार सच में। नीचे आ गई थी यार। देख यार वो सरकंड पे वो बदले की आग में यहाँ पे घूम रही है ठीक है ना, तो वो बदला अपने से भी निकाल सकती है यार, तो अपन रिस्क ले सकते हैं इसका रिस्क ले सकते अपन। चलने दो रिकॉर्ड को, वैसे हम निकलते हैं यार यहाँ से ठीक है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं आप कमेंट करके बताओ। बाकी मैंने सोच रखा है कि मैं अगले पार्ट में इसके क्या करने वाला हूँ ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चलने दो रुको मत सर का, मैं चलने दो जाओ जल्दी चलाओ।